आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पूरा गार्डन गार्डन है। हेलो दोस्तों, आज 3rd मार्च है और आज सुबह के 7 बजे है और मैं अभी जिम जाने के लिए निकल रहा हूँ। अभी मैं हॉस्टल में ही हूँ और अभी मैं साइकिल लेकर जिम जाने के लिए निकल जाऊँगा। मैंने अभी ब्रश और फेस वॉश कर लिया है, फिर बाद में जिम में आने के बाद मैं बाथ ले लूँगा। तो अभी मैं हॉस्टल में आ गया हूँ जिम जाके और अभी मैं नहाने जाऊँगा या फिर वीडियो कल का जो है वो एडिट करने बैठ जाऊँगा। तो अभी हम लंच करने के लिए नीचे आए हुए हैं और लंच के लिए हम बाहर सेव लेने के लिए जा रहे हैं, रतला में सेव लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम लंच में क्या का आज खाएंगे। तो अभी हम लंच करने के लिए आ गए हैं, आप देख सकते हैं लंच में ये सब है, लंच में ये होने वाला है आज और हमारे साथ सभी दोस्त भी है। पूरा माहौल बन गया है लंच करने का, तो हम लंच करते हैं रतलामी सेव के साथ। इस तरह से हमारी हॉस्टल की पूरी मैस है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम कॉलेज जाके आ गए हैं, कॉलेज में हमने एक ही लैब अटेंड की और दूसरा कोई लेक्चर भी नहीं था क्योंकि आज कॉलेज का 4th सेम का पहला दिन है, इसीलिए कॉलेज में कोई ज़्यादा लेक्चर नहीं थे, मे भी कल ज़्यादा लेक्चर होंगे। तो अभी हम चाय पीने के लिए आए, 6 बज गए हैं, तो अभी हम चाय पीने के लिए जाएंगे और साथ ही में हम गार्डन में जाने के भी सोच रहे हैं। तो चलो हम अब साढ़े छः हो गए, कोई बात नहीं, 6:30 हो गए। ये हमारे प्रथम भाई है, गार्डन जा रहे हैं गार्डन देखने के लिए। लोकेशन नहीं देना है, बस ये भाई बोल रहे हैं लोकेशन नहीं देने का, सॉरी मित्रों। ये हम कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, बीप कर देंगे। यहाँ पर पकौड़ी वाला है, बॉम्बे बॉम्बे पंजाबी भेल, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। हाँ अब देख रहे हैं, अभी हम वहाँ जो चाय का ठेला है ना वहाँ पर जाएंगे। अब हम कृष्णा चाय वाले के उधर जाएंगे, ये हमारे यूट्यूबर है। हम रोज शाम को यहाँ पर चाय पीने के आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सामने चाय का अड्डा है, यहाँ पर हम बैठेंगे। तो अभी हम लोकार्डन आ गए हैं, सभी दोस्त भी आ गए हैं, आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पूरा गार्डन गार्डन है। तो अभी हम गार्डन में बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं और यहाँ पर गार्डन में बहुत ही अच्छा, जो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि गार्डन में बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं। अभी हम गार्डन से बाहर आ गए हैं और हॉस्टल जाने के लिए निकल गए हैं, तो कुछ ही देरों में हम हॉस्टल पहुंच जाएंगे। तो अभी हम डिनर करने के लिए आ गए हैं, हमारे डिनर में भाजी पाव है और साथ में छाछ भी है और हमारे दोस्त सभी यहां पर बैठे हुए हैं। तो अब रात के 9 बज गए हैं और अब इस व्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है। साथ ही में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपको ये जो व्लॉग है वो कैसे लग रहे हैं, इसमें कोई भी क्या कहते हैं कोई इम्प्रूव लाने की ज़रूरत है कि नहीं है, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हाउ जो। वैसे तो व्लॉग का एंड कर लिया है पर फिर भी रात के 1 बजे है और चाय और पाव चाय बनाई थी और इसके साथ हम चाय और पाव खा रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये जो छोटा सा क्लिप है वो शूट कर लेते हैं। बसली।